स्टार्ट करिबा आजर क्लास को आजर क्लास रे हम डिस्कशन करिबा इंग्लिश रो सेक्शनल टेस्ट 15 ऑलरेडी 14 टा सेक्शनल टेस्ट सारी छि आशा करछ समस्त प्लेलिस्ट विजिट करके सब तक वीडियो को देखि लिथि यदि आपन इंग्लिश किमा कंप्यूटर रो बेसिक क्लियर नै टिके चैनल विजिट करके पियो रे मु जहां भी क्लास करथि आपन देखि परबे बट अपकमिंग आपन आगु को जो भी आपन एग्जाम आछि मु सब दि पे इंग्लिश करै देबी कंप्यूटर करै देबी टोटल ए टू जेड आउथर मु पढै देबी सेति पे किछ व्यस्त हेबेनी बट आपन रेगुलर बेसिस पर निजर प्रैक्टिस को आगु करि करि चलतो टारगेट चल जे आपन ओल्ड रिप्लेस रो आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस पे आशा करछ समस्त नै जे प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी मन चलते क्लास को स्टार्ट करवा तरह छोटे इनफर्मेशन देवी जो मैंने ऑलरेडी जानते हैं स्किप करके पड़ा जो मैंने दरकार अच्छे शुणी ने देखो मोर ओल्ड रिप्लेस आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस गोटे प्राक्ट ग्रुप अच्छे जोड़ी आप डेली प्राक्ट क्वेश्चन मिल जाए डेली आपको 200 क्वेश्चन मिल जाए मन रखिए सब दो क्वेश्चन आप पोल फॉर्मेट में क्विज पड़ा क्विज सर आप सब दो क्वेश्चन पीडीएफ पाइप डेली बेसिस इंग्लिश रचा क्वेश्चन ओडिया 50 क्वेश्चन कंप्यूटर 50 क्वेश्चन जीए 50 क्वेश्चन मैथ्र 25 क्वेश्चन पाइबे जहां पर निजो प्राक्ट करके इंप्रूवमेंट आनी पारे एमती ना सेल्फ स्टडी करके भी पॉसिबल जब आप कंटेंट सब दुख अवेलेबल अच्छे आउ गए क्या ग्रुप आउ कौन मिलेगा आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाइबे आरआई 10 फुल लेंथ सेट पाइबे सहित एआरआई अमीनो एसएफएस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाइबे ये पीडीएफ फॉर्मेट रे पाइबे आउ गए क्या कहूँ जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छे जॉइन करेंगे क्या जबरदस्त नहीं कि फोर्सफुल ना निज इच्छा अच्छे जॉइन करेंगे जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी मोर कौन बैच थे एस हो गला सीजीएल हो गला ओडिशा पुलिस कौन से बैच थे आप 99 रुपीज रही है डायरेक्ट जो नंबर देखते हैं नंबर में कौन से पेमेंट गेटवे पे करके व्हाट्सएप किंवा टेलीग्राम रे मते स्क्रीनशॉट दे देबे आउ गोटे कथा सेठी कोनसी वीडियो क्लास नथाय ओके आउ गोटे कथा जो माने नुआ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बाय मोर बैच जॉइन करबे आपन बाय 135 रुपीस रहबो ए जो नंबर देखथिन ए नंबर पे करिक मते व्हाट्सएप किंवा टेलीग्राम रे स्क्रीनशॉट दे देबे मो ग्रुप रो लिंक जॉइन दे देबे तापर आपन जॉइन कला परे सेठी सब किछ एक्सेस करि परबे आपन जेबे चाहे सेबे जॉइन करकी सब जिंस एक्सेस करि परबे सेतरे किछ प्रॉब्लम नै ओके बस ग्रुप देखे दूसरी ग्रुप देखी गोटे बेसिक आइडिया पाइज देखो एटा से ग्रुप रोचे ऑलरेडी 3700 पिला प्लस ग्रुप अच्छा ग्रुप जॉइन कला डेली आपको शेड्यूल थाए कौन कौन क्विज कंडक्ट कर पीडीएफ दिया जाए ए टू जेड सब तक मेंशन थाए क्विज कंडक्ट करज सर क्विज सर आप लास्ट को सब तक आप क्वेश्चन देखो पीडीएफ आपको पाइबे से किसी ओरिया नहीं जो पीडीएफ ऑलरेडी दिया जाए सब तक अच्छे 123 फाइल अच्छे 123 फाइल आदि आप देखिए आज जो टॉपिक दरकार प्रीपोजिशन दरकार बस प्रीपोजिशन सर्च करदे आपन डेफिनेटली प्रीपोजिशन 8 पीडीएफ पाइबे ये नंबर पीडीएफ आहुरी बढ़ी चलो जिते मुझे क्विज कंडक्ट कर चलिए ये नंबर पीडीएफ आपन बढ़ी बढ़ी चलो ओके इंग्लिश है ओडिया है आपन ईच एंड एवरीथिंग पाइबे किसी डाउट थे ए नंबर मतलब व्हाट्सएप रे पचारि परिबे तो बहुत किसी है जी आम क्लास को स्टार्ट करवा कि डाउट थे नंबर मतलब व्हाट्सएप रे पचारि ओके आपने एक नंबर क्वेश्चन अच्छी एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखें ट्राई करेंगे यदि वीडियो स्पीड लगे स्लो करके 0.75x देखिपारे आई थिंक समस्त एक नंबर क्वेश्चन आंसर दे सारे बिकज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल कॉन्सेप्ट अनुसार एक नंबर क्वेश्चन बनी देखा क्वेश्चन कौन देखो सी कहे ओनली वन फर्स्ट क्या फोकस करने पड़ो ये सब्जेक्ट किए क्वेश्चन आम कौन सब्जेक्ट किए फोकस करने पड़ो ओके ओनली वन अफ द बॉयज प्राय पाला बॉयज देखिए बॉयज देखिए कौन प्लुरालिटी लगे पड़े टोटाली भूल कॉन्सेप्ट आपन जानते मुझे कहि वन अफ माइ कौन कहे वन अफ माइ बेस्ट फ्रेंड कौन कहे वन अफ माइ बेस्ट फ्रेंड जब मुझे तो ये सब्जेक्ट किए वन ना कि बेस्ट फ्रेंड तो सब्जेक्ट नो ना तो सेमती द बॉयज एटी सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट के ओनली वन कौन कहे ओनली वन ओनली वन टा सिंगुलर कि प्लुराल तो डेफिनेटली समस्त जानते ओनली वन टा कौन सिंगुलर सिंगुलर पे हाफ बस हाफ बस क्या बस कुड ये कौन से फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो करूनी डन अच्छी डन तो क्या आउ कुड के बस बिकज मोडाल भर पर सब भरब फास्ट फर्म बसे तो ऑप्शन बी को मारिकी पलैबे इजी थी ना ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ ना कॉन्सेप्ट यूज करूँ क्वेश्चन आंसर बस ठीक दबार अच्छे ओके एक नंबर कौटा रईट आंसर है ऑप्शन आप आउ गए क्या कहते हैं अफ पूर्व जी भी प्रिपोजिशन पूर्व जी थे नॉर्मली से सब्जेक्ट बन जाए एटा भी गोटे छोटिया कॉन्सेप्ट ओके एक नंबर सला नहीं दुई नंबर चाहिए दुई नंबर भी आंसर देखें समस्त ट्राई करते टेल माइन्स हो गला 400 किलोमीटर से 500 लीटर हो गला सब क्वेश्चन आप पढ़ी थे 800 डॉलर हो गला सब जिन पढ़े ओके मन रखिए ये सब बेले एस लगला नुहे ये प्लुराल बनीगला कौन कहे एस लगला नुहे ये प्लुराल बनीगला ये सब बेले आप सिंगल यूनिट कौन कहे आपको सिंगल आपंकर यूनिट भाया काम करे कौन कहे सिंगल यूनिट जेहतु ये सिंगल यूनिट भाया काम करे आपको आम सिंगुलर नहीं जावा कौन कहे आपको आम सिंगुलर नहीं जावा तो 10 माइल्स आप इज लगे पड़े कौन कहे इज लगे पड़े आशा कर 100% रूल कि कनसेप्ट आप जहाँ भी कहतु ये आप डेफिनेटली जानते एक्जाम नर्मल पिक करेंगे ओके 10 माइल आप इज लगे पड़े सरगला या दुई नंबर बी रही नीचे तीन नंबर जगह तीन नंबर टी आंसर देखा ट्राई करूँ चूज द करेक्ट सेंटेन्स आप चारा सेंटेन्स अच्छे कौटे करेक्ट अच्छे टाइम फाइंड आउट करने ट्राई करूँ पढ़ा या देखो हि हाड लेफ्ट द ऑफिस ऑफिस छाड़ी पड़ेगा बिफोर आई रिच देयर मुझे पहुँचला बेलू से ऑफिस छाड़ी पड़े मत कहतु से आगे ऑफिस छाड़ी पड़ेगा ना से आगे जाकि पहुँचला तो डेफिनेटली से आगे ऑफिस छाड़ी देतापर आप जाए पहुँचे मत लगुनि फास्ट सेंटेन्स में कौन एरर अच्छी कौन पाई जे एटा प्रेजेंट परफेक्ट लगे जो कम आगे हम सरी पास्ट परफेक्ट कौन कहे जो कम आगे हम से पास्ट परफेक्ट लगे जो कम आसो सी आप लगे सिंपल पास्ट लगे बिकज दुईटा कम आप पास्ट हिं कंडक्ट कराई नहीं जा देखो
ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ତାର ରିଜିନ୍ ବି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ଲେଫ୍ଟ ଦ ଅଫିସ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ କେବେ ଦୁଇଟାକ ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟେ କାମ ଆଗେ ହେବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ହେବ। ଓକେ, ଆପଣ ଖାଇବେ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବେ ନା, ତ ଖାଇବାଟାକୁ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କହିପାରିବେ, ପାଣି ପିଇବାଟାକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ କହିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଚର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟ ସହିତ କେବେ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗିବନି। ୱାଜ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ରିଚ୍ କଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ରିଚ୍ କଲା। ଓକେ, ଆପଣ ତିନି ନମ୍ବର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ? ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାରି ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ, ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଇଏ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବେ ପାଷ୍ଟ। ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଆସିଲା ୱିଲ୍ର କୌଣସି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ୱିଲ୍ ସାଲ୍ ବସିବନି, ଏଠି ଉଡ୍ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନର୍ମାଲ ତାର କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓକେ, ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗିବନି, ଏଠି ଫ୍ୟୁଚର ବି ଲାଗିବନି, ନର୍ମାଲ ୱିଲ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ବି ହେବ, ଉଡ୍ ଫିନିସ୍ ତ ଲାଗେ ୟାର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଜ୍ ଫିନିସିଂ ହେବନି, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେବେ ବି ଆର୍ ହେବନି। କ'ଣ କହିଲି, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେବନି, ବିକଜ୍ ଯଦି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ପଳାଏ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ଏଠି ବିକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ସିକୁ ଜମା ବି ଆର୍ ପିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ସମସ୍ତେ? ପ୍ରାୟ ବେଲା କହିବେ ସାର୍ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ସରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିଦେବା, ସେମିତି ଜମା ବି ଏଠି ଭାବିକି ଲଗେଇଦେବେନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଏଠି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେବ, ତ ଚାରି ନମ୍ବର ବିକୁ ହିଁ ମାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଛି ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ COVID-19 ଡ୍ୟାସ୍ ରାପିଡ୍ଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ଲି, ରାପିଡ୍ଲି ମାନେ କ'ଣ, ନର୍ମାଲି ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିଲି, ରାପିଡ୍ଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କାହିଁ କରିବା? ଓକେ, ଏଠି ତ ଆପଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା କ'ଣ ହାଫ୍ ରିଜିନ୍ ମାନେ ହେଇ ସାରିଛି କି ନା? ରାପିଡ୍ଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ବି ଏହାର ବଢ଼ୁଛି, ୱାଜ୍ ରାଇଜିଂ ଠିକ୍, ସରି ଆର୍ ରାଇଜିଂ ହେଇପାରେ, ହାଫ୍ ବିନ୍ ରାଇଜିଂ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଏୟାର ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ। ଦ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ COVID-19 ଆର୍ ରାଇଜିଂ ରାପିଡ୍ଲି, ମାନେ ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ୁଅଛି। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଅପସନ୍, ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପସନ୍ ସି ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋତେ ହେଇ ବି ପାରିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାହିଁ, ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଛଅ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏହାର ଆଇଦରର କନ୍ସେପ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆଇଦରର କନ୍ସେପ୍ଟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ହେଇଗଲା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇଦର ଅର୍ ଅନୁସାରେ, ଆଇଦରର ଯେଉଁ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତା ଆକର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଆଇଦର ଦ ଗାର୍ଲସ୍ ଅର୍ ଦ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହାସ୍ ତ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ହାସ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଟିକେ ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଠି ଭର୍ବ କେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଅଛି, ତମକୁ ଇଜ୍ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ, ପ୍ଲୁରାଲ ନାହିଁ, ୱେର୍ ବି କିଛି ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଆଇଦର ଅର୍ ହେଇଗଲା, ନା ଆଇଦର ନଲ୍ ହେଇଗଲା, ନର୍ ହେଇଗଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆପଣ ଛଅ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ସି ନେଇଛି। ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ସାତ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ରଖିଛି, ଟିକେ ଅଛି ମିଲେନିୟମ ଅଛି କି, ମିଲେନିୟମର ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମିଲେନିୟମର ସ୍ପେଲିଂ ହେବ MILL ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ସିମ୍ପଲି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ତ MILL ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ MILN ENN ଆସେ, UMB ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ମିଲେନିୟମ। ଓକେ, ତ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଆମେ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ସାତ ନମ୍ବର ସି ସହିତ ଯାଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ସାତ ନମ୍ବର ପରେ ନେଇଯିବା, ଆମେ ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଆଠ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିବେ, ଇଜି ଥିବ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର PARLIAMENTARY ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ। ଓକେ, ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, PAR ଏଠି ଆଇ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା କାଟିଦେବା, ଏଠି ଏ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା କାଟିଦେବା, PARILA। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏଠି ଟୋଟାଲ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ENTARY ହୁଏ ନା, ERY ହୁଏନି, ତ ଆପଣ ଆଠ ନମ୍ବର କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ବି ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ପେଲିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଲିଂ ବନୁନି, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଡେଲି 5-10 ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବାରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଠ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବା, ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଛି, ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ତ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ। ଏଠି ସେ କହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ଆପଣ 4 ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା ଆଧୁରୁ ସେ କହୁଛି ରଙ୍ଗ, କେଉଁଟା ଆଧୁରୁ ମାନେ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ବେଶ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ।
ফার্স্ট হচ্ছে সিওএন টিআর ওয়েল কন্ট্রোল, তো ঠিক আছে কনফিউজন, সিওএন এফইউএসআইন এ বি আপনার ঠিক আছে, কনফারেন্স সিওএন এফইআরইএনসিই এফইআর, ওকে আর কোয়াড হচ্ছে না, মুঁ আউথরে চেক করে দেছি, কনফারেন্স সিওএন এফই, সরি এটি ই হি হচ্ছে, কনফারেন্স এটি ই নাই, সিওএন এফইআরইএনসিই আপনার কনফারেন্স বনে, ওকে তো ডেফিনেটলি এটা আপনার মিস্টেক হচ্ছে, অপশন সি তো যাইপারে, বা কমিটার স্পেলিং ঠিক আছে, ঠিক আছে, সিওএমএমআই ডবল টি আপনার ডবল ই আপনার কমিটার ইউজ করা যায়, বুঝিগলে সমস্ত, ন নম্বর টিকে ট্রিকি ছিল, অপশন বড় আপনার সি রাইট আনসার আছে, প্রায় পিলা সি আর ডি ভিতরে কনফিউজ হয়ে যাবে, কমিটারে ডবল টি কি ডবল এম কি ডবল ই লাগে জিনিসের কনফিউজ হয়েছে, বট যদি স্পেলিং জনা আছে তো ডেফিনেটলি অপশন গোটা ন নম্বর সি কু হি পিক করে দেবে। নেক্সট নেক্সট বা দশ নম্বর কোশ্চিন যায়, দশ নম্বর কোশ্চিন টিকে আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, ওকে ইডোমেন্ট ফ্রেজেস নর্মাল আপনার পচার যায়, ফাইন্ড দ মিনিং অফ দ ওয়ার্ড হয়ে গেল, ফাইন্ড দ মিনিং অফ দ ফ্রেজ হয়ে গেল, ফাইন্ড দ মিনিং অফ দ ফ্রেজাল ভার্ব হয়ে গেল, ফাইন্ড দ মিনিং অফ দ সেন্টেন্স নর্মাল আসি যায় এক্সাম্পল, তো ডেফিনেটলি সি কইছি হুইচ অল্টারনেটিভ বেস্ট এক্সপ্রেশন দ মিনিং কাহার আপনার আপেল পাই অর্ডার, ওকে ফার্স্ট কথা হচ্ছে আপেল পাই অর্ডার, এটা হচ্ছে আপনার ইডোমেন্ট ফ্রেজেস কমপ্লিটেড গোটে কোশ্চেন, ওকে আপেল পাই অর্ডার মিনিং হচ্ছে পরফেক্ট অর্ডার, ইন এ পরফেক্ট অর্ডার, যেটা কি আরেঞ্জ করা যায় পুরা পরফেক্ট ম্যানরে, তাকে আমি কইপারবা আপেল পাই অর্ডার বলে কইপারবা, তো মনে রাখবে দশ নম্বর অপশন কোটা বি কু মারি দিয়ে র্যান্ডম অর্ডার জমাই পিক করবে না, আপেল অর্ডার মানে আরেঞ্জমেন্ট ঠিক সে এটি বনে, ওকে তো দশ নম্বর কোটা অপশন আপনার বি রাইট আনসার হবে, নেক্সট যাবে এগার নম্বরকে যা, এগার নম্বর বি টিকে সমস্ত আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, এটা বি গোটে আপনার ফ্রেজেসর মিনিং কহার আছে, ইন এ টাইট কর্নর, টাইট ওয়ার্ড মানে কম আপনার ডেফিনেটলি গোটে কম প্রোবলেমে পড়ে যাই, কম কে ইন এ টাইট কর্নর মানে গোটে খারাপ সিচুয়েশন আপনার কইপারে, নহলে আপনার কইপারে ডিফিকল্ট সিচুয়েশন বি আপনার কইপারে, দেখি পা কোথায় আছে, ক্লোজড রুম জমা বি নো, স্মল ফিল্ড নো, ইন এ ডিফিকল্ট সিচুয়েশন, কম কে আপনার যেতলে পচারবে ইন এ টাইট কর্নর তা মানে হচ্ছে ইন এ ডিফিকল্ট সিচুয়েশন, এই সব ফ্রেজেসর টিকে মিনিং জানিবে এক্সামে ডাইরেক্টলি সে পচারি পারে, ওকে এগার নম্বর মনে রাখবে অপশন আপনার সি রাইট আনসার হবে, নেক্সট যাবে বারো নম্বরকে যা, বারো নম্বর বি টিকে আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, আর্টিকেল টিকে ইজি নর্মালি আসে এক্সামে কে বি আর্টিকেল ভুল করতে নর্মালি, তো সেইয়ার কোশ্চেন আনসার দেওয়া টিকে ট্রাই করুন, ট্রাই কল, ওকে ইট ইজ প্লিজেন্ট টু রিড ড্যাশ নোবেল ইন ইভিনিং, ওকে ইট ইজ প্লিজেন্ট টু রিড, রিড কোন গোটে নোবেল পড়া কথা কুচি, ইট ইজ প্লিজেন্ট টু রিড এ নোবেল, ডাইরেক্ট লগে এটি আন্ রোসি মতলব নাই, দ নোবেল কোন ডেফিনেট নোবেল কথা তো সে কহিনি, ওকে ইন দ ইভিনিং লাগে, কম কিন্তু ইন দ ইভিনিং লাগে, আই থিঙ্ক এটা তো সমস্ত জাগে, ওকে তো আমি লগাইবা কোটা অপশন এ আউ আপনার দ রহব, বুঝিগলে মু কম কলি ফার্স্টে কোন আর্টিকেল দ লগাই নাই, বিকজ সে কহুন যে এই পর্টিকুলার নোবেল কথা সে কহিনি, ওকে ইট ইজ প্রেজেন্ট টু রিড এ নোবেল, ওকে ইন দ ইভিনিং, বুঝিগলে সমস্ত, যেটা কি আপনার ওটা বারো নম্বর অপশন বি রাইট আনসার হবে, আশা করছি পিক করে দিচ্ছি, নেক্সট যাবে তেরো নম্বরকে যা, তেরো নম্বর বি সমস্ত টিকে আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, সে কিছু আইডেন্টিফাই দ করেক্ট সেন্টেন্স, এই যে চারিটা সেন্টেন্স আছে কোটা করেক্ট আছে তাকে আইডেন্টিফাই করার আছে, ট্রাই করে কোশ্চেন পড়ে দেখুন, সি ইজ এ ইন্ডিয়ানার, এ প্রোনাউন্সিয়েশন আপনার এ রু স্টার্ট হচ্ছে না, তো এ ইন্ডিয়ান কেবে লাগবে না, আউটে প্রায় লাগবে স্যার ইন্ডিয়া পূর্বর আর্টিকেল কেমন লাগলা, দেখুন এটা ইন্ডিয়া লাগিনি ইন্ডিয়ান লাগু, মানে তা ন্যাশনালিটিকে যে শো করছেন সিটিজেনশিপকে ইন্ডিয়ান কথা সে কইছি, ইন্ডিয়া কথা কইনি, কন্ট্রি নেম কথা সে কইনি, কন্ট্রি নেম পূর্বর নর্মালি বসেনি, ওকে তো আমি লগাই পারিবা, ওকে ইয়ে যে প্রোনাউন্সিয়েশন আছে ই ই প্রোনাউন্সিয়েশন আমি পাটি খোলিকি করে পড়ছি, তো তারপর আমি কোন লগাই পড়ব আর্টিকেল আন লগাই পড়ব, ওকে সি ইজ আন ইন্ডিয়ান, ওকে লাগি পারিব ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট, ওকে অপশন এ হবনি অপশন ডি হবনি, এইটা হব এইটা হব, বাস আগুচি পড়বা ম্যারেড টু আন ইউরোপিয়ান, না ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান যে প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে সে ইউরু স্টার্ট হচ্ছে, কম কে ইউরু স্টার্ট হচ্ছে, তো আমি এ ইউরোপিয়ান কহবা, তো অপশন আপনার ওটা অপশন সি রহব, জমা বিআর আন ইউরোপিয়ান মারিদেবে, ওকে তো তেরো নম্বর আই থিঙ্ক অপশন সি তো সমস্ত চুজ করে দিয়ে, যে চুজ করুন কনসেপ্ট আই থিঙ্ক যদি বুঝিগলে এটি কোণ আছে, তেরো নম্বর পরে নিশ্চয় চৌদ নম্বর যা, চৌদ নম্বর টিকে সমস্ত আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, দিস ইজ ড্যাশ কার আই বট ইয়েস্টারডে, সে কহছি এইটা হচ্ছে সেই কার যেটা কি ইয়েস্টারডে বাই করছি, তো ইয়ে ডেফিনেট করাইলা কেউ কার কথা কুচি না কি আপন গলির কোণী কার কথা কুচি, সে কুচি এটা হচ্ছে সেই কার যেটা কি কালি কিনছি, ইয়ে ডেফিনেট করুছি, কম কে ইয়ে আপনার ডেফিনেট করছি, যদি ডেফিনেট করছি আর্টিকেল দিয়ে লগাই দেবা, দিস ইজ দ কার আই বট ইয়েস্টারডে, সরিগল না ইজি লা, আই থিঙ্ক সমস্ত অপশন কোটা চৌদ নম্বর ডি কু তো অলরেডি চুজ করে দিই, ইজি লা, নেক্সট পনেরো নম্বর যা, পনেরো নম্বর বি সমস্ত আনসার টিকে দেওয়া ট্রাই করুন, আই রিমেম্বর দ্যাট ড্যাশ ড্যাশ বট দ ফ্রুট ফ্রম ড্যাশ, ঠিক আছে আই রিমেম্বর দ্যাট, মু রিমেম্বর করে পারছি কি সে ফ্রুট কু বড় কলে আমার ব্রোড কলে সেভাবে সেন্স হচ্ছে, আই রিমেম্বর দ্যাট দে, ওকে দে লগাই পারা দে বড় দ কার ফ্রম ফ্রম প্রিপোজিশন আছে, প্রিপোজিশন পরে কেবেবেলে সবজেক্টিভ কেস আসবে, অবজেক্টিভ কেস আসা পড়ব, দেম লাগবে দেম লাগবে দে সে এটা সবজেক্টিভ কেস আছে, দে বড় দ ফ্রুট ফ্রম আপনার অস লাগবে, অসটা কোণ আপনার অবজেক্টিভ কেস লাগে, ওকে তো আপনার কোটার পিক করে পারবে, পনেরো নম্বর অপশন কোটা আপনার ডে রাইট আনসার হবে, আসে করছি সমস্ত পিক করে দিবে, নেক্সট বা ষোলো নম্বর দিয়ে, ওকে ষোলো নম্বর বি সমস্ত আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, সে কুচি আক্টিভ রু প্যাসিভ এবে বনাইবা ট্রাই করবা, আপনার সঙ্গে চারটা অপশন আছে, দেখি আনসার দেওয়া ট্রাই করুন, ট্রাই কলে এবার কোশ্চেন্স ডিটেলস পড়ছি, ওকে
who gave you permission to enter ତାହେଲେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ହୁ ଗେଭ୍ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭରେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ୱାଜ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱେୟାର ୱାର୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେଖିବା କେଉଁଟାରେ ଆପଣ ୱାଜ୍ ୱେୟାର ହେଇପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ହୁମ୍ରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବାଇ ହୁମ୍ ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଓକେ ବାଇ ହୁମ୍ ୱେୟାର ଲାଗିବ ନା ୱାଜ୍ ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ୱାଜ୍ ଲାଗେନି ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେୟାର ଲାଗେ ଓକେ ଆପଣ ଏଇଟା କାଟିଗଲା ଓକେ ଓକେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାଇ ହୁମ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆଗେ ଆସିବ ନା ଆଗେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଇଏ ବି କଟିଗଲା ଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗିଭେନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିଁ କଟିଗଲା ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କେଉଁଟା ଅପସନକୁ ଯଦି ଏଲିମିନେଟ୍ କରୁଛି ତ 16 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପିକ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବାଇ ହୁମ୍ ୱେଆର୍ ୟୁ ଗିଭେନ୍ ପରମିସନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ବୁଝିଗଲେ ଇଜି ଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଟିପିକାଲ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ 16 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ରହିଲା 7 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖିଲେ 7 ନମ୍ବର ବି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଓକେ ହାଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହାଜ୍ ହି ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେକିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହାଜବେଣ୍ଡ ତାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ବନେଇବା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ବିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜଣାଥିବ ଓକେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ ନା ଓକେ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ହାଫ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ହାଫ୍ରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ବିକଜ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ ବସିବ ହାଫ୍ ଯେଉଁଟା ବସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଏଫ୍ ବିରେ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଓକେ ବିନ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ବିନ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା 7 ନମ୍ବର ସି ସହିତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ବସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ପଡ଼ିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନ୍ ୱାର୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହାଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ 7 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖିଲେ 8 ନମ୍ବର ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କଲେଜ ହାଜ୍ ଓକେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଓକେ ହିମ୍ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଗଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆକୁ ଆମେ ଧରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓକେ ହାଜ୍ ଓକେ ଏଠି ତ ମେନ୍ କଥା ଯେଉଁ ହାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଆମେ କରିକି ଆସେ ତ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିନ୍ ତ ପକ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବିନ୍ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କାଟିଦେବା ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ ବିନ୍ ନାହିଁ କାଟିଦେବା ଏଇଟାରେ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କେଉଁଠି ଆସିଲା କାଟିଦେବା ତ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଅପସନ୍ ବି ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇପାରିବା ଓକେ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାଇ ଦ କଲେଜ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ବାସ୍ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଓକେ 8 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଭାବେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡାଲ୍ ଭର୍ବକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବସିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହାଭ୍ ଫେଲ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପସିବିଲିଟି କଥା ଉଠିଲା ପସିବିଲିଟିରେ ଆପଣ ମେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ମାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଇ ହାଭ୍ ଫେଲ୍ ଲଗିଛି ତ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ମାନେ ତାର ଫେଲ୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତ ଆପଣ ମାଇଟ୍ ସେନ୍ସରେ କ'ଣ ପସିବିଲିଟି ସେନ୍ସ ଲଗେଇବା ଅଟୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ସେ ନୁହଁ ସାଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି କିଛି ଲାଗିବ ନା ଓକେ ତ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ମାଇଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପସିବିଲିଟି ସୋ କରିବ ସେଠି ଆମେ ମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପଳେଇବା ଓକେ 19 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଇଛି 20 ନମ୍ବର ଯିବା 20 ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା ଉଠେଇଲା ଇଫ୍ର କଥା ଉଠିଲା କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟାଇପ୍ ୱାନ୍କୁ ପଳେଇବା ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଫ୍ ସହିତ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଫ୍ ସହିତ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ ସହିତ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିବ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ୟୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିନେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫର୍ ଲେଟର ଓକେ ତ ଆପଣ ଉଡ୍ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟାର କଥା କହୁନି ଆମେ ଉଡ୍ ଲଗେଇବା କୁଡ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିବନି ୱିଲ୍ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ବସେ ତ 20 ନମ୍ବର ମନେକିବେ ଅପସନ୍ ସିକୁ ଆରାମସେ ମସିକି ଯାଇପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ୍ ଏବେ 21 ନମ୍ବର ଯିବା ଓକେ 21 ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ବାଇ ଦ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ବାଇ ଦ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଓକେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ 2 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଓକେ ଓକେ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦ ସପ୍ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍କିପର କ'ଣ ଦେଇନି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନି ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇନି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ କିଣିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇଦେଲା କ'ଣ କହିଲେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ସେନ୍ସ ଆସିବ କେବେ ବି ଆର୍ ଲଗେଇଦେବେନି ଅଣ୍ଟିଲ୍ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍କୁ ସୋ କରେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ 5 o'clock ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଏଠୁ ଟାଇମ୍କୁ ସୋ କରେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ବି ଲାଗିବନି ଓକେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ବାବୁଜୁଦ ଲାଗିବନି ଅନ୍ଲେସ୍ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ କହିଲି ଅନ୍ଲେସ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଘଟିନି ତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ ତ ଅନ୍ଲେସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସୋ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 2 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ନଦେଲେ ମୁଁ କିଣିବି ହିଁ ନାହିଁ ସରିଗଲା କଥା ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛି ୟାର 21ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ରହିବ ଅପସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ୍ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯା
22 नंबर क्वेश्चन भी समस्त टिके आंसर दबा पाइं ट्राई करदे चूज द करेक्ट आप करेक्ट भर को बस बसईबार अच्छे प्राय पे ये क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाते बट मुझे ये जो लिखाई है मोर देन वन ये गोटे फ्रेज कौन कहे ये गोटे फ्रेज आ फ्रेजटा सब सिंगुलर कौन कहे ए फ्रेजटा आप सिंगुलर भाया काम करे तो आम करवा दे आर डिपेंड कै आगे आप कौन अच्छे नाउन कौन अच्छे नाउन सिंगुलर अच्छे कि प्लूराल अच्छे मन कहे दे आर सब डिपेंड कर आगे आप अच्छी नाउन कौन अच्छे नाउन मोर देन वन नाउन नुह ओके डैश लिविंग तो रैपिड एटी नाउन आगे मन कहे मोर देन वन सब मोर देन वन जो नाउन बसे कौन कहे जो नाउन बसे सी सिंगुलर भाई बसे मोर देन वन पा भावुवे सर मोर देन वन आम प्लूराल बसे कि पड़े ना ना सेमती किसी नए मोर देन वन आप सिंगुलर नाउन बसे कौन कहे सिंगुलर तो आप रखे रैबिड्स हमें रैबिड्स लगे ओके रैबिड्स भी लगे रैबिड रैबिड लगे कहली कौन मोर देन वन सिंगुलर भर बस जेहतु ये गोटे फ्रेज गोटे तो डेफिनेट यार मोर देन वन सब कौन सिंगुलर फ्रेज भाया काम करें कौन कहते सिंगुलर तो आमको इज लगे पड़ो आर ये लगे यहाँ कम्प्लीटली गोटे ट्रिकी क्वेश्चन आप फसापी मोर देन वन पा भाई मोर देन वन अच्छी तो प्लूराल बस ही पड़े तो मोर देन वन आप जो नाउन बसे से सिंगुलर बसे आज जो आप भर बसे मन रखिए से भर भी आपको सिंगुलर बसे तो आपको इज लगे पड़ो बुझीगले समस्त 22 नंबर ऑप्शन ए रही है 23 नंबर बुझा 23 नंबर भी समस्त टी आंसर देखा ट्राई करते ओनली वन्स आई विजिटेड सॉरी वन्स आई हैव विजिटेड अमेरिका आई नो डैश सिटीज देयर तो डेफिनेट मुझे जब आप आई हाव रिसीव्ड ऑलरेडी विजिट कर सारी आई नो डैश सिटीज देयर तो डेफिनेट आम कही पार्बा फ्यू लगे ना जेहतु गोटे सिटीज अच्छी सिटीज तो काउंटेबल ना कितना सिटी आम गणी पार्बा तो फ्यू लगे फ्यू मैंने कौन सिटी नाला भाया आम कौन लगे ए फ्यू लगे मैंने किसी आप सिटी अच्छी लिटिल दुटाक आप लिटिल ए लिटिल अनकाउंटेबल लगे एति तो समस्त जानते तो अप्सन गोटा बी सहित डेफिनेट समस्त पड़े ओके 23 अप्सन बी रहा नहीं चाहे 24 को जाए देखिए 24 टी आंसर देखें ट्राई करते आपको टी कंपाउंड सेन्टेन्स कनवर्ट करने ट्राई करते सेन्टेन्स फास्ट पढ़ा देखो दो सी नो व्हाट वुड हैपन सी डिड इट यू तो से जाने किसी घटव पड़ो तो आप सेंटेन्स करवा सी डीड इट डेस्पाइट डेस्पाइट नोइंग जमा लगे किसी दरकार नहीं कंपाउंड बनार अच्छे कंपाउंड मैंने कम फैन बॉय को आम यूज करने पड़ो देखो सी नोज व्हाट वुड हैपन आज लगे किसी दरकार नहीं ओके सी न्यू ओके व्हाट वुड हैपन बट से जानी कौन घटव किंतु से पड़ो बट आप कंजंक्शन जो यूज करोरे आप कंपाउंड सेन्टेन्स यूज कराए बुझे समस्त 24 ऑप्शन कौटा आप रहा ऑप्शन सी रही है डायरेक्ट एयर मारिकी पड़े बुझे इजी था नहीं चाहिए 24 पर 25 को दिया 25 रे टी समस्त आंसर देखा ट्राई कर वर्किंग इन द गार्डन इज टू प्रेजेंट ओके वर्किंग इन द गार्डन इट इज प्रेजेंट टू मन कहे प्रेजेंट सहित सब इनफिनिटी भर्ब आसे कौन कहे प्रेजेंट सहित इनफिनिटी भर्ब आसे तो टू सहित भर्ब फर्स्ट फॉर्म लगे ओके तो जमी आप वांट पर भी आप इनफिनिटी भर्ब आसे वांट टू प्ले ना तो डेफिनेट प्रेजेंट पर भी आप प्रेजेंट टू लगे टू लिसन आप टू म्यूजिक आप लगे पारे बुझीगले ना प्रेजेंट पर आपको कौन आसे इनफिनिटी भर्ब आसे जमा भी जीरो लगेदेवे कि पार्टिसिपल लगेदेवे ना ओके ये तो किसी लगे दरकार नहीं तो 25 नंबर कौटा रेट आंसर रप्सन आपटा सी रही है आ से कुछ पिक कर देते नहीं चाहिए 26 नंबर क्वेश्चन जा 26 नंबर भी समस्त आंसर टी दे ट्राई करते हैं फाइंड द ग्रामाटिकली एरर जो पार्टी एरर अच्छे आप फाइंड आउट करने पड़े करदे क्वेश्चन पड़ा देखो माई सिस्टर ओके ठीक अच्छे माई सिस्टर सिंगुलर अच्छे ओके हाज लगे किसी प्रोब्लेम नहीं हाज पर भरपूर थर्ड फॉर्म बस एटी भी मोर किसी प्रोब्लेम नहीं मैं दुटा पार्ट पूरा ठीक अच्छे ओके पेजेस आफ्टर पेजेस मन रखिए जो नाउन बसुच्च नाउन प्रिपोजिशन आप नाउन बसे कारण यहाँ प्रिपोजिशन ना ये नाउन हो गला ये नाउन तो मन रखिए ये दुटा नाउन सब सिंगुलर रोक कौन कहते सिंगुलर र तो पेज आफ्टर पेज बॉस आफ्टर बॉस ओके बुक आफ्टर बुक सब सिंगुलर रहा है बुक्स आफ्टर बुक्स करदे कि पेजेस आफ्टर पेजेस करेंगे ना तो ऑप्शन कौटा ऑप्शन आप पार्ट सी रेट था नाउन रोटे सुपर कॉन्सेप्ट एग्जाम बेले बेले पिक कर दिखते ओके 26 नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं 27 को जी 27 भी समस्त आंसर टी दे ट्राई करते हैं सी कहते फाइन तो कौ पार्ट एरर अच्छे आउ ए सेंटेन्स एरर ही अच्छे जमी पूर्व सेंटेन्स नो एरर था बट ए सेंटेन्स एरर थी कथा थी फाइंड आउट कर दिखाई करदे ना देखते द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेफिनेट द बोर्ड ऑफ आपन डायरेक्टर सी ठीक अच्छे वन प्लूराल बसे बिकज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डेफिनेट प्लूराल ना वन द फैसिलिटीज ओके ऑफ कार 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 एंड अकोमोडेशन ऑफ इटसेल्फ फास्ट कथा होची फॉर इटसेल्फ को माना पाए फॉर इटसेल्फ इट को इट कौन पाए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ये तो प्लूराल ना द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये तो प्लूराल ना प्लूराल पाए कौन लगे या देमसेल्फ लग पार्ता ओके तो इट इटसेल्फ लगे किसी दरकार ना बुझे ना प्लूराल बसापी था तो डेफिनेट 27 रोटे रईट आंसर हे ऑप्शन डी हम जो मैंने पिक करते 27 रि बहुत बढ़िया कथा नहीं 28 नंबर को जी ओके 28 नंबर भी आंसर देखें ट्राई कर दो ये भी आपको एरोडेटेशन अच्छे ओके पढ़ी पाइ यार आज ए स्टूडेंट ठीक अच्छे ऑफ आर्ट्स ठीक अच्छे यार यू आर मच बेटर दैन हिम फास्ट कथा
यु सहित कंपेरिजन हिम हूँ देख कंपेरिजन चलती मच बेटर तो लगेगा ठीक अच्छे किसी प्रोब्लेम नहीं यु सहित आपम लगे ना ये जेहतु आप सब्जेक्टिव केस कंपेरिजन करेंगे हि सहित करेंगे कौन कहे हि सहित सब्जेक्टिव केस सहित सब सब्जेक्टिव कंपेरिजन कराए ऑब्जेक्टिव केस सहित सब ऑब्जेक्टिव कंपेरिजन करेंगे यु सहित आप करेंगे दैन आपर हि करने पड़ो हिम करेंगे ना ओके तो ऑप्शन कौटा ऑप्शन कौटा 28 डी राइट आंसर रहा जो मैंने पिक करते बहुत बढ़िया कथा किसी कनसेप्ट आप क्लीयर थी नेक्स्ट भावे 29 नंबर क्वेश्चन को जहाँ देखिए 29 रही समस्या टी आंसर देखें ट्राई करते आई अलवेज रन डैश मनी आट द एंड ऑफ द मंथ तो डेफिनेटली मस सरला मोर पैसा सब तो कहीं जाइए शेष हो जाए मैंने ना मो पाखे किसी पैसा जीरो हो जाए ओके तो आई अलवेज रन आउट अफ कौन कहे आउट अफ मैंने पूरा आपने नील आउ किसी ना सब शेष हो सारी तो आप ऑप्शन ए को चूज करेंगे आउट अफ नो अन नो विदाउट भी मारे किसी दरकार नहीं ओके रन आउट अफ ताक कह जाए जो पैसा सरीज आपके तो आप 29 रो कोटा राइट आंसर रहा ऑप्शन ए टी यार फ्रेजाल भर भी टी घोषुए यार डेली बेसीस 15-20 मन रखते हैं एक्जाम कौटा पड़े कि कहीहबन आटलिस्ट तो करी तो किसी ना किसी आसवे ना ओके 29 रो ए रही है नहीं चाहिए 30 नंबर खुजे 30 नंबर भी टी आंसर देखें ट्राई करते ओके अल द मेम्बर्स ऑब्जेक्ट ओके ऑब्जेक्ट सहित कौ प्रिपोजिशन मत मतलब देखे ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट टू योर ऑर्डर मैंने जो आप जो आप एडवोकेट मैंने जो कहते ऑब्जेक्ट टू माय ऑर्डर ओके तो जो जिनटा कहते ऑल ऑफ माय मेम्बर्स ऑब्जेक्ट सहित कौन लगे टू लगे ऑब्जेक्ट सहित टू जो प्रिपोजिशन फिक्स बसे से मन रखता है डायरेक्टली एग्जाम आसो ओके इन एडिशन टू सहित जमी होगा अकम्बाइंड बैगला तो सही आप नॉर्मल जोड़ा बसे पढ़ी था आप ऑप्शन कौटा ए को मारिक पढ़े कारण ये आप भूल कर कौन से चांसेस नहीं बिकज डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ो ओके आम अन कौटी बसे इन कौटी ये तो नॉर्मल आप जानते प्रिपोजिशन चैप्टर में यह सब थाए ओके 30 ऑप्शन ए रही नहीं चाहिए 31 को जी 31 भी टी आंसर देखें ट्राई करूँ एत बड़ क्वेश्चन नहीं छोटिया क्वेश्चन अच्छे डायरेक्ट रू इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको कन्वर्ट करने पड़ो ट्राए कर देखो आई सेड टू हिम ओके व्हेयर हैव यू लॉस्ट ओके ये तो जना पड़ गला हैव यू लॉस्ट ये तो प्रेजेंटर परफेक्ट अच्छे सांगे सांगे पास परफेक्ट कथा भाबीबा आउ किछ हमें भाबीबा ही नाही ओके मु पास पास परफेक्ट कथा भाबु ही हैड लॉस्ट हैड लॉस्ट हैड लॉस्ट सबुतरे भाई पास परफेक्ट लगे हमें आहुरी फसी गले ओके देखिबा आउ कोन आपनर हेई जदी हेई थिबो ताको हमें चेंज करबा ट्राई करबा ओके एटु गोटे जिंस जना पड़ गला येस्टरडे तो येस्टरडे रहिबनी आपन डायरेक्ट रो इनडायरेक्ट आपन को हबो प्रीवियस डे हबा कथा हबो ऑप्शन ए आगे मुझे काटी दे यार एटी येस्टरडे लिख चुके ऑप्शन बी रे प्रीवियस डे अच्छे ठीक अच्छे नहीं जाइ पाइबा ऑप्शन सी रे भी आप प्रीवियस डे अच्छे ये भी ठीक से नहीं जाइ पाइबा ऑप्शन डी रे भी आप अच्छे बट आप आउ टे चेक करने पड़ो देखो कौन अच्छे आई आस्क्ड हिम ओके व्हेयर ही हैड लॉस्ट द पेन ओके आई हाफ बट ओके ठीक अच्छे आई हाफ बट कौन पाइन लगेगा आम तो पास्ट नंबर अच्छे पास्ट को जी कथा से जीव प्रेजेंट तो रही पारे तो देखो आई हार्ड बट ओके सॉरी आई हार्ड ब्रड होगा एटी भी हार्ड लगे तो ऑप्शन सी को मारिक पड़ेगा ऑप्शन डी भी मुझे पढ़ दे स्ट्रक्चर ही भूल करती ओके हार्ड ही लॉस्ट करती आपर ही हार्ड लॉस्ट हबार था ओके तो 31 ऑप्शन सी टिके क्वेश्चन को देखुवे कौ पार्टी कौन चेंजेस कराई ताको फोकस करके बस जबार अच्छे ओके 31 ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं चाहिए 32 को जीवन ओके 32 भी टी आंसर देखा ट्राई कर सी कहे चेंज आप डायरेक्ट इंडेट कर स्टार्ट ओके कौड़ स्टार्ट ओके कौटा मन रखे कौटा ये आपको हेल्पिंग भर भाया काम करे कौन से मेन भर नुह कौन कहे ये गोटे हेल्पिंग भर कारण प्लीज अच्छे ना तो ये मेन भर नुह जदि मेन भर नुह टू आम बसई पारा ना जिते बड़े ओनली मेन भर थी से आपर इनफिनिट भर यूज कर ना यूज कर ना तो ये दुटा कटिगला जीरो गोटे हेल्पिंग भर भाया काम करती आपंकर इफ कि वेदर यूज कर कौन कहे इफ कि वेदर यूज कर ये दुटा तो कटी सारी अलरेडी आम आपको काटिद तो बाकी देखिए सेन्टेन्स आउ कौन कौन पड़े देखो हि रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूर तो मैंने से कौन कहला रिक्वेस्ट कला इंटरव्यूर को इफ हि कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन ओके इफ हि पुणी रिक्वेस्ट कला पुणी ये प्लीज लगे किसी दरकार नहीं कारण रिक्वेस्ट अलरेडी कर सारी हि रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूर इफ यू कुड रिपीट द क्वेश्चन डायरेक्टली आप कहीं जाइए ओके प्लीज लगे किसी दरकार नहीं ओके 32 मन रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर रहा बिकज रिक्वेस्ट कर सारे आउ थे प्लीज लगे किसी दरकार नहीं ओके आप 32 ऑप्शन डी रही नहीं जाए 33 को जी 33 रो भी समस्ते टी आंसर देखें ट्राई करते ओके समस्ते पढ़ते टेन्स को फोकस करते कम सरीज आ बेस किसी मुंड खटा ये दरकार नहीं ओके सेड द बॉय सेड दैट सरीगला ओके ठीक अच्छे द बॉय सेड कटिगला बिकज विल कौन आसा कारण ये आप हार्ड सहित चिटेड अच्छे मैंने प्रेजेन्टर परफेक्ट अच्छी जदि प्रेजेन्टर परफेक्ट अच्छी तो डेफिनेटली आपको कौन करें पड़ो पास्ट परफेक्ट को नाप पड़ो ये फ्यूचर कौटा था काटि यार द बॉय एक्सक्लेम्ड एक्सप्लेन तो हमने सोर ही हम तो आपको आम काटिद सेकेंड पढ़ा हाफ आसवनी जेहतुटा तो प्रेजेन्टर अच्छी तो पास्ट को नाप पड़ो तो ऑप्शन गोटे ही बची 33 ऑप्शन डी आशा कर 33 ऑप्शन डी भी समस्ते चूज कर देते ऑप्शन को बस हिट करेंगे डायरेक्टली आंसर मार्क 33 पर नहीं 34 नंबर क्वेश्चन जहाँ देखिए 34 रही समस्या टी आंसर देखें ट्राई करूँ से कही आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो अंडरलाइन पार्ट है
सेटिंग यार प्राइ पिला कहते सेटिंग सर गोटे भर जो पे डायरेक्ट मुझ सेटिंग वार्ड आपको देखेदेवि आप प्राइ पिला विषय भर बे आईएनजी लगे सेटिंग गोटे भर टाइप जिन जोटा कि टोटाल भर भर न फास्ट हो द रंग सेटिंग ओके फास्ट कथ हो रंग यहाँ हूँ आर्टिकल समस्त जानते यहाँ हूँ आर्टिकल आर्टिकल होगा आर्टिकल ये हूँ आपको आडजेक्टिव होगा सेटिंगटा कौ भाया रंग भाया सेटिंगटा तो ये तो आडजेक्टिव बिकज ये नाउन को क्वालिफाई करती तो ये तो नाउन ही हम ना तो ऑप्शन गोटे ऑप्शन बी को मारे पड़े मुझ बहुत थर आप जिन शिखी आपड़ डेफिनेटली किसी ना किसी जानते हैं ओके चौतीस ऑप्शन बी रही है पैंतीस को देखिए पैंतीस भी समस्त आंसर देखा ट्राइ करेंगे स्टिल ओके स्टिल वेटिंग लिखाई है मेन कथ हूँ यहाँ कौन गोटे आपदे मैंने सर यहाँ गोटे आप वेटिंगटा गोटे कौन नाउन भी कहीदेवे यहाँ ये भर भाया काम करती बिकज आर आर हूँ भर आर पर भर आईएनजी फॉर्म आसे ये आप हेल्पिंग भर ये आप मेन भर तो हेल्पिंग भर मेन भर भितर जी अच्छी नॉर्मल एडवर्ब आम कह कि आप जो भर को जी क्वालिफाई करे ताको नॉर्मल एडवर्ब कह तो ऑप्शन बी को मारिकी पड़ा बुझे आउ किसी भर मारदेवे कि आरजेटी मारदेवे कि प्रोनाउन भी मारे ना नॉर्मल ये गोटे एडवर्ब बिकज वेटिंग स्टिल वेटिंग ए पर्यटन से वेट करती तो वेटिंग को आप क्वालिफाई कर दूसरी तो मारिकी पड़ा बुझे ना पैंतीस ऑप्शन बी रही है छत्तीस को जी ओके छत्तीस भी समस्त टी आंसर दे ट्राई करते ओके टू हैंड इट टू मीन ओके तो मेन कथ हूँ टू हैंड इट टू रीन्स हूँ कौन ओके टी गोटे सेकेंड हैंड इट टू तो मैंने यहाँ क्या आम क्रेडिट दवा सेन्स यूज करवा हैंड इट टू मैंने कौन क्या क्रेडिट दवा सेन्स ओके ऑप्शन भी गोटे कन्फ्यूज होती है कहीं टेक् फ्रम भाभी आल्लाउ काले ओके तो बट आप राइट आंसर कौटा गिव क्रेडिट टू हैंड इट टू मीन क्या क्रेडिट दवा सेन्स लगे पार्बा ये डायरेक्टली ये भी आप गोटे इडमेंट फेज कौन कहे ये भी गोटे आप इडमेंट फेज फ्रेज रस मीनिंग आपको पचारा ओके आपटा कौटा रही है हैंड इट टू मैंने गिव क्या क्रेडिट दवा सेन्स लगे पार्बा 36 पर नहीं जाए 37 को जाए देखिए 37 में आंसर देखें ट्राई करते प्रिपोजिशन अच्छे आराम से यार बसई दिखे ओके देर इज नो वे वी कैन प्रिवेंट पीपल ओके कौटू टॉकिंग रो फ्रॉम लगे कौटू कर प्रिवेंट तो सीटा फ्रॉम लगे फ्रॉम टॉकिंग ओके डैश दिस मैटर अबाउट दिस मैटर सरीगला यहाँ तो आप नॉर्मली पढ़ू पढ़ू धरा पड़ गाला किसी जिन रीडिंग स्किल आप जो प्रिपोजिशन बसि बस फोकस करें सब जगह यार प्रिपोजिशन मीनिंग कौन अलग अलग आसो आप आहरी कन्फ्यूजन में ओके पीपल फ्रॉम टॉकिंग ओके कौन कहे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस मैटर ए मैटर विषय ऑप्शन डी कुमारी पड़ेगा ये बेसी मुंड खटेले क्वेश्चन आपंपर भूल भी हो पारे जो जानते यार लगे यार पड़े ओके 37 पर नहीं 38 को जी 38 भी समस्त आंसर देखें ट्राइ करते ओके ये गोटे आपको अच्छी मिसलेनियस गोटे अच्छी यार स्पेलींग आपको करेक्ट स्पेलींग आपको दबार अच्छे मिसलेनियस प्राय पे कन्फ्यूज हो जाते मिसलेनियस मन कहे मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपड़ पढ़ते मैंने घंटा घंटे क्वेश्चन ओके मिसलेनियस एमईएमआईएस सीई एल एल ए एन ई ओ यू एस आई थिंक ठीक अच्छे तो ए एन ओके ये तो रोज ए एन ई ओ यू एस कौन अच्छे चेक करदे एमआईएस 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 सीई लगे टोटल ना एमआईएस ना एमआईसी आप मिसलेनियस ऑप्शन कौटा आप 38 बी हम टी रिचेक् करेंगे जब मो द्वारा किसी मिस्टेक होती है ओके मिसलेनियस एमआईएस सीई एल एल ए एन ई ओ यू एस आपको लगे मुझे लिखी से आई थिंक यहाँ अप्सन आपटा 38 बी तो डेफिनेटली राइट आन्सर होने बिकज जना पड़े बेले बेले मो द्वारा मिस्टेक होती है ओके 38 पर नहीं जाए 39 को जाए 39 भी आंसर देखा ट्राइ करते सी कहे आप्रोप्रिएट आप डेफिनेटली जना पड़े क्वेश्चन आप आडजेक्टिव आस देख आर द स्ट्रीट्स डैश एंड डैश दे वेयर सम ईयर एगो तो ठीक अच्छे ये कंपेरिजन चलती मानते एबिकार जो स्ट्रीट बनचे सी पास्टर स्ट्रीट सहित कंपेरिजन चलती कंपेरिजन सेन्स गोटे डेफिनेटली यूज करोटा कंपेरेटिव डिग्री यूज कर पार्बा ओके आर द स्ट्रीट्स ओके वाइडर ओके डब्ल्यू डी आर मुझे लगे वाइडर वाइडर बनब जमा बिहार आप पजिट ने कारण जदि एटा पजिट एटा के आपको कंपेरेट हेनी दीटा को कंपेरेटिव हम सेम कंपेरेट डिग्री माने कंपेरेटिव माने सॉरी सेम डिग्री माने एटी कंपेरेटिव वाइडर आउ क्लीनर ऑप्शन डी एटी एक्जाक्टली राइट आंसर हम बिकज गोटे वाइडर गोटे क्लीनर एमती के पार्बानी सुपरलेटिव सहित कंपेरेटिव लग पार्बानी आर द स्ट्रीट्स वाइडर एंड क्लीनर दैन हुएर सम ईयर एक बुझीगले कंपेरिजन अच्छी तो डेफिनेटली कंपेरेटिव डिग्री वाइडर आउ क्लीनर जेहतु आंड अच्छी आ पूर्व जहाँ लगे तापर भी आपको से ही नॉर्मल बसे बुझीगले समस्त 39 ऑप्शन डी रही है 40 नंबर क्वेश्चन जाए लास्ट क्वेश्चन अच्छे लास्ट क्वेश्चन टी समस्त आंसर देखा ट्राई करते ट्राए कले इनवर्सन रूल फॉलो करेंगे बिकज हार्डली ओके हार्डली डिपेंड करे क्या हार्डली पर आपको डीड आसपार कि आपंकर हार्ड आसपार डिपेंड कर हार्डली पर के डायरेक्ट सब्जेक्ट आसी जाए कौन कहे हार्डली पर डायरेक्टली सब्जेक्ट आसपे हार्डली पर डीड आसपे ना हार्ड आसो ओके डीड पर आपंकर भर्व फर्स्ट फॉर्म बसी थी दरकार हार्ड पर भर्व आपंकर थर्ड फॉर्म बसी थी दरकार ए क्वेश्चन कौ फॉर्म बसी तो समस्त जानगले एंटर्ड एंटर्ड मैंने भर्व थर्ड फॉर्म तो आमको कौन पिक करने पड़ो हार्ड को पिक करने पड़ो हार्डली हार्ड एंटर्ड द ऑफिस
हार्डली सहित ह्विन पेयर भी बसे यहाँ टे मन रखे यहाँ नॉर्मल गोटे रूल अनुसार आसे ओके तो डेफिनेटली समस्त बुझे हार्डली सहित हार्डली हार्डली हार्ड ही लगे पारे बुझे चालीस नंबर ऑप्शन कौटा ऑप्शन सी राइट आंसर आसो कहीं भी यार हार्डली ही हार्ड पिक करदेवी आगे आप हार्ड आसपर आप लगे आपको भरव थर्ड पॉइंट बसेंगे चालीस नंबर ऑप्शन क्वेश्चन राइट आंसर सी थी आशा करो द्वारा जितनी पॉसिबल हो पाला मुझे बुझापी ट्राए करते समस्ते ही बुझे जदि किसी डाउट कन्फ्यूजन थे मतलब कमेंट करेंगे डेफिनेटली कमेंट आंसर देखें ट्राए करेंगे भिडियो शेष पर देखते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।